भाई से समझौता करके टिकट लेना ये मैं उचित नहीं समझता एक तो हमको लग, लगता है कि बेगूसराय में सब लोग माँ मा के ही गर्व से पैदा लिए वो कहते हैं एक गो हम ही लाल हैं वो तो गाली लेते हैं बेगूसराय के सब लोगों को जातिगत कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है बेगूसराय में बेगूसराय में दलीय कार्ड खेलने की जरूरत महागठबंधन में मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक लीडर हूँ हमको भी दो सीट चाहिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ लालू जी को भी कांग्रेस के नेताओं को कि ये दो सीट अगर हमको शेयर नहीं दिया गया कम्युनिस्ट के नेताओं को भी कहना चाह रहा हूँ ये शेयर मेरा नहीं मिला तो इसका नुकसान और खामियाजा सब नेता जानते हैं कि क्या भुगतना होगा से ये सिट, सिट, और ये दो सीट मटिहानी और बकरी थार देख रहे हैं आप और मैं हूँ गुलशन कुमार किसी भी चीज़ में तजुर्बा का अहम योगदान होता है और कहते हैं कि बुज़ुर्गों के पास बैठनी चाहिए क्योंकि वहीं से तजुर्बा मिलता है आज हमारे साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो हैं उनके बारे में मैं गिनाऊं तो शायद कम पड़ जाए उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो किसी को बसाना हो किसी के किसी को घर देना हो इन सब क्षेत्रों में उनका और उनके परिवार का अहम योगदान है अभी से नहीं आज़ादी से आज़ादी के बहुत ही पहले से साथ ही साथ कहा ये भी जाता है कि बेगूसराय की राजनीति में महागठबंधन की ओर से वो बेगूसराय के चाणक्य माने जाते हैं राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं जी हाँ हमारे साथ जो हैं वो अनिल कुमार सिंह हैं और इनसे हम बेगूसराय की राजनीति पर चर्चा करेंगे सर आपका सबसे पहले स्वागत है बी न्यूज़ बिहार में आपका इतना योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके परिवार का भी रहा है आपने महात्मा गांधी जब आए हैं उनका स्वागत किया है तो अभी उस टाइम का राजनीति और अभी का राजनीति दोनों में क्या अंतर है हमारा परिवार आज़ादी के वर्षों पहले से समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग ये मान के हमारा परिवार ये मान के चलता था कि बेगूसराय जिला मेरा परिवार है और वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य और विकास के कई काम में हम लोगों ने अपने स्तर से अपने संपत्ति से भी किया लोगों का योगदान लेके भी करवाया नेताओं से अपने सरोकार का भी फायदा बेगूसराय को दिलवाया लेकिन राजनीति में, में मेरा परिवार फ्रंट पर कभी राजनीति नहीं किया सतहत्तर में जब कांग्रेस हार गई तो श्याम सुंदर सिंह धीरज एन के अध्यक्ष थे और तारिक साहब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे हठात किसी कारण से बेगूसराय में इन लोगों से मुलाकात हो गई और इन लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं आप राजनीति में आइए हम लोगों के साथ काम के लिए और इन दोनों का जो राजनीतिक सोच समझदारी थी उससे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया और एन का अध्यक्ष बना और पहली बार जी कॉलेज में एन का अध्यक्ष जीता उपाध्यक्ष जीता उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष तारिक साहब ने मुझे यूथ कांग्रेस की जवाबदेही दी और यूथ कांग्रेस के रूप में भी आज भी मेरा परिचय लोग यही जानते हैं कि कौन अनिल बाबू यूथ कांग्रेस वाले तो यूथ कांग्रेस में मैंने जो काम किया और सामाजिक उस समय मैंने संपूर्ण जिला में चार बार पदयात्रा किया कोई गांव ऐसा बेगूसराय का नहीं है जहां मैंने अपना संगठन खड़ा नहीं किया मैं खुद जाके किया इसलिए पारिवारिक सरोकार के वजह से भी और व्यक्तिगत राजनीतिक सरोकार के वजह से भी आज भी भिन्न भिन्न दलों में जो कार्यकर्ता चले भी गए लेकिन सब दल के कार्यकर्ताओं का मुझसे व्यक्तिगत संबंध है और बेगूसराय की राजनीति में मुझे मैं धन्यवाद देता हूँ उन कार्यकर्ताओं का कि आज तक उन लोगों ने मेरा सम्मान जो होना चाहिए वो किया है अभी महागठबंधन की जो स्थिति है चुनाव है सामने तो मैं स्पष्ट वक्ता भी रहा हूँ मैं स्पष्ट बोलता हूँ कोई चीज़ चुकी मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती है कि मेरा कोई पद गड़बड़ा जाएगा कोई मुझे ऐसा कुछ करेंगे लेकिन एज ए महागठबंधन के लीडर के रूप में मैं बेगूसराय जिला के बारे में इतना जानता हूँ कि अगर बेगूसराय में सही ढंग से सीटों का बंटवारा हुआ और सही ढंग से उम्मीदवार दिए गए तो पिछले चुनाव की तरह सात का सात सीट महागठबंधन की झोली में जाएगा पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या अंतर आया पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में अंतर ये आया है कि पहले लोग राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे जो लल से जुड़े रहते थे विचारधारा से जुड़े रहते थे नब्बे के बाद अभी जो नए लोग राजनीति में आए हैं वो पार्टी के कैडर नहीं है वो कास्ट कल्चर के कैडर है जो जिस जाति का है जातिवाद धर्मवाद की राजनीति जब चलने लगी नब्बे से तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या जो पुराने लोग थे वो तो अपने विचारधारा अपने पार्टी के अनुसार चलते हैं अनुशासन में चलते हैं लेकिन अभी जो लोग आए हैं वो सिर्फ अपनी जाति के नेताओं के साथ कार्यकर्ता बन गए हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है वो जातीय कार्यकर्ता है धार्मिक कार्यकर्ता है वो धर्म का अनुवाद फैलाते हैं जात का अनुवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं लेकिन बेगूसराय आपको मैं ये बता दूं कि कभी जातीय तनाव और सांप्रदायिक तनाव को बेगूसराय ने अपने 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 नहीं दिया वहाँ आज भी सभी जाति के लोग जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इतना कमान रखे हुए हैं कि जातिवाद भी उतना हावी नहीं हुआ बेगूसराय में और संप्रदायवाद भी हावी नहीं हुआ बिहार में जातिगत समीकरण चलता है चुनाव में ऐसे में बेगूसराय भी उसमें तो शामिल होगा ही जातिगत बेगूसराय में भी होगा समीकरण तो ऐसे में महागठबंधन की ओर से जातिगत कार्ड खेलना उचित रहेगा जातिगत कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है बेगूसराय में बेगूसराय में दलीय कार्ड खेलने की जरूरत है कि किस दल को कौन सा सीट मिलेगा तो आराम से सीट जीतेगा और इस पर हमारे जो प्रदेश के नेता लोग हैं उन लोगों को सोचना होगा कि हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं हम लोगों ने महागठबंधन के लिए कांग्रेस के लिए विगत पाँच वर्षों से मुझे व्यक्तिगत रूप से करीब करीब कांग्रेस के नेता हों दूसरे दल के नेता हों प्रदेश स्तर के जो हैं नेता व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं हम लोगों ने वहाँ जमीनी राजनीति की तो हम लोगों को पता है कि गठबंधन जब होगा तो किस उम्मीदवार को दिया जाए ताकि वोट ट्रांसफर हो सके जब राजनीतिक रूप से हम एक दूसरे के विरोधी तो सिर्फ गठबंधन करने से तो नहीं होगा वोट ट्रांसफर कैसे हो कौन उम्मीदवार होगा जो सबको लेकर चलेगा क्योंकि बेगूसराय की बराबर सबको लेके चलने की है तो अगर बात करें तो सातों विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं बेगूसराय विधानसभा है मटिहानी है और भी जितने भी विधानसभा हैं तो इसमें कौन सा ठोस चेहरा हो सकता है महागठबंधन की ओर से जो जीत हासिल कर सके प्रश्न ये नहीं है प्रश्न ये है कि सात सीट जो है उसमें महागठबंधन के किस किस दल को शेयर मिलना चाहिए तो बेगूसराय को कांग्रेस राजद और अगर से होता है तो ये तीनों विचारधारा की वो जमीन है वहाँ वामपंथी भी रहे हैं लंबे समय से कुछ पीरियड ऐसा भी रहा है कि वामपंथियों की ताकत बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी कांग्रेस का वो गढ़ रहा है लेकिन अब तो वामपंथी तो बहुत कम है मैं, मैं ये कह रहा हूँ कम है या ज़्यादा है उसका बहस नहीं है अब क्या है ये तीन विचारधारा की धरती है वो तो और तीनों में जब गठबंधन होना है तो स्वाभाविक है कि कम्युनिस्ट पार्टी भी कहेगी कि, कि मेरा इस जिला में जनाधार है राजद के लोग भी कहेंगे मेरा जनाधार है कांग्रेस के लोग भी कहेंगे मेरा जनाधार है लेकिन जनाधार को समझना होगा जैसे आप लोग अभी जो मीडिया है गिरिराज जी के जीत को सांप्रदायिक जीत कहता है कि लोगों ने हिंदू होने के वजह से जी को जिता दिया जबकि सच्चाई ये नहीं है सच्चाई ये है कि बेगूसराय कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा के संघर्ष का जगह रहा है तो जब कन्हैया आए यंग थे टीवी मीडिया के माध्यम से बहुत चर्चित थे कोई उन्होंने आंदोलन नहीं किया था एक विवादित बयान दिया उन्होंने और उस बयान के चलते आप लोगों ने मीडिया ने उनको हाईलाइट कर दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगे लोगों को मजा आने लगा लेकिन जमीन पर वो कोई आंदोलन करके कम्युनिस्ट नहीं है और जब वो आए तो मीडिया ने इतना उनको उछाला कि लोगों को लगा कि कन्हैया जीत न जाएगी और बेगूसराय की धरती एंटी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट की धरती रही है तो जो एंटी कम्युनिस्ट थे जिनकी मतदाताओं की संख्या आज भी बेगूसराय में साढ़े तीन चार लाख उनको लगा कि कन्हैया जीत जाएगा तो फिर यहाँ कम्युनिस्टों का साम्राज्य हो जाएगा उन लोगों ने गिरिराज को वोट कर दिया उसको हराने के लिए उनको लगा कि ज... ये जीतेंगे नहीं राजद के जो उम्मीदवार थे गठबंधन के तनवीर जी और मुसलमान जो एंटी बीजेपी था उसने देखा कि साहेब बीजेपी जीत जाएगा तो उसने कन्हैया को वोट कर दिया परिणाम हुआ कि कम्युनिस्ट कन्हैया को अच्छा वोट आ गया सेकंड किया लेकिन बहुत ज्यादा वोट से हारा जबकि भोला बाबू और तनवीर जी जब कैंडिडेट थे तो हारजीत पचपन हजार से हुई इसलिए हुई कि उस समय कम्युनिस्ट का खतरा नहीं था तो एंटी कम्युनिस्ट लोग जो कांग्रेसी थे जो कांग्रेस को ज्यादा उन्होंने गठबंधन को दिया तनवीर को वोट परिणाम हुआ कि सिर्फ पचपन हज़ार से भोला वो जैसे लीडर जीते बेगूसराय और बाहर से आके गिरिराज जीत गए इसलिए कि एंटी कॉम्बिस्ट वोट जो था उसको कन्हैया का जो दिखाई पड़ा कि जी ये जीत जाएगा तो उसने वोट ट्रांसफर कर दिया तो वहाँ सांप्रदायिक कारण से गिरिराज ने जीते ये फैक्ट है लोग आजकल जो चलता है सिस्टम कि जो हिंदू थे मुसलमान थे दोनों कैंडिडेट इसलिए इनको ये सब बेगूसराय में नहीं चलता है जातीय जहाँ तक बात है तो परवीन अमानुल्ला पटना से जाके जीत गई बलिया से राजवंशी महतो जीते बलिया से मोनाजिर हसन जीते बलिया से अगर बेगूसराय में जातीय समीकरण तो मोनाजिर हसन के जीतने को कोई सवाल नहीं था अगर हिंदू पोलराइज हो जाता है सांप्रदायिकता के आधार पर जाता तो मोनाजीर के जीतने का कोई प्रश्न नहीं था फॉरवर्ड पोडराइज हो जाते तो राजवंशी महतो के जीतने का कोई प्रश्न नहीं था लेकिन बेगूसराय में आज भी राजनीतिक विचारधारा के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उन्हीं का वर्चस्व है वो कास्ट के आधार पर जो कुर्ता पैजामा पहन के कार्यकर्ता हो गए हैं उनका कोई पकड़ नहीं है वो राजनीति में वोट को न ट्रांसफर करा सकते हैं इसलिए गठबंधन में हम जो ये कह रहे थे कि तीन दल को अगर गठबंधन करना है तो बेगूसराय के जो सीट की बनावट है अब जैसे मटिहानी बामपंथ का वहाँ करीब करीब बहुत टूट चुकी है वह कोई जनाधार ऐसा नहीं बचा है और बामपंथ के खिलाफ ही लड़के पहली बार बगौर सिंह निर्दलीय होकर जीते तो वहां जो एंटी कम्युनिस्ट मतदाता है उसका वोट बम पंथ को दिलाना बड़ा कठिन है वो वोट बट जाएगा तो बम का भी वो सीट नहीं बनता है राजद का जनाधार नहीं है वहां वहां आज भी विगत जितने चुनाव को आप उठा के देख लीजिए आज भी वहां मटिहानी में कांग्रेस के का वोट जब भी चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े तो पच्चीस हजार तीस हजार चालीस हजार वोट उनको आता रहा जो परंपरागत है कांग्रेस तो है। फिर पकड़ क्यों नहीं है उस सीट पर कांग्रेस की लगातार हार हो रही है कांग्रेस की सीट पर पकड़ इसलिए नहीं है कि आप हमारे जो उम्मीदवार रहे हैं। तो ये सब जब छह महीना चुनाव का बसता है तब राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं और वहाँ की जो बनावट है उसमें राजनीतिक चेहरा और सामाजिक चेहरा जो होना चाहिए जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन के सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके ऐसा कोई चेहरा अभी तक नहीं दिया गया इस बार हम ही लोगों ने पंचायती राज का जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था पंद्रह में तो राजकुमार जी जो के एम होटल के मालिक हैं जिनके परिवार का बेगूसराय के राजनीति में हमेशा इंटरफेरेंस रहा है उसके समर्थन और उसके विरोध से वहाँ लोग जीतते हारते रहे हैं आज भी मटिहानी में एक मतदाता वर्ग है जो इनके प्रभाव परिवार के प्रभाव में और उसकी संख्या लगभग तीस चालीस हजार है और कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ और उस लड़ाई को जो ख़त्म कराया हमने आज दोनों तरफ के जो लोग हैं वो ट्रस्ट हैं बोगो सिंह से मटिहानी का वो शांतिपूर्ण क्षेत्र को जब से भोगो सिंह राजनीति में आए हैं पंद्रह साल में तो कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां बोगो सिंह के कारण बोगो सिंह की राजनीति के कारण दो चार हत्याएं दो चार नौजवान नहीं मारे गए हैं तो फिर से बेगूसराय में मटिहानी क्षेत्र का माहौल जिसको बहुत मेहनत से सौहार्दपूर्ण वातावरण में लाया गया था उसको बिगाड़ने की साजिश हो रही है लोग अपने स्वार्थ कौन कर भगवत सिंह सिंह की राजनीति यही है तो वहां जब तक दोनों के समन्वय वाले उम्मीदवार जिसको कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों और एंटी कम्युनिस्ट मतदाता एकदम अपना परिवार का लोग माने वैसा कैंडिडेट अगर राजकुमार होंगे कमदेप सिंह ललका के डीएम मॉडल के मालिक पढ़े लिखे हैं कंस्ट्रक्टिव लोग हैं उनका परिवार सब दिन बाद पीड़ित को क्या देते थे शादी ब्याह में क्या देते थे उनके पिताजी उस क्षेत्र की जनता जानती है गरीब गुरबा जानता है और जब से ये आए हैं तो इन्होंने भी अपने उस पर पारिवारिक परंपरा को बनाए रखा विगत बार भी जो बाढ़ आया पीड़ित लोग हुए उसमें जाके आप पूछिए देखिए कि व्यक्तिगत स्तर पर बिना कोई प्रचार किए हुए राजकुमार जी ने जितना उनकी सहायता की वो आश्चर्यजनक गरीबों के मसीहा कहते हैं अपने आप को गरीबों का बेटा कहते हैं भोगो सिंह अब उस चीज़ को आप कैसे तोड़ पाइएगा कांग्रेस कैसे तोड़ पाएगी जिस कैंडिडेट का बात कर रहे हैं राजकुमार सिंह का बात कर रहे हैं आप गरीबों का बेटा तो कहते हैं वो तो माइकल लाल भी कहते हैं अपने को तो हमको लगता है कि बेगूसराय में सब लोग माँ के ही गर्व से पैदा लिए वो कहते हैं एक गो हम ही लाल हैं वो तो गाली लेते हैं बेगूसराय के सब लोगों को कि एक ही माई का लाल है जो कि हम लोग सब हम आप सब माँ के सब पैदा लिए हैं माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है तो वो माँ के लाल हैं और हम लोग क्या हैं तो वो तो अहंकार नाजायज पैसा कमाने के कारण धनवान कुछ गरीब गुरुबा को दवाई देना दे देना खर्चा दे देना चिकित्सा में कि जितना आयुर्वेदिक कॉलेज को हॉस्पिटल में मैंने रोगियों का फ्री इलाज करवाया है उन्नीस सौ छियालीस से उतने रोगी सुन उनको भेंट भी नहीं हुआ होगा तो ये सब तो पैसा के चलते कुछ तत्कालिक राहत पर अब कोई इधर पॉलिटिकल आदमी नहीं है कोई पॉलिटिकल आदमी लड़ा नहीं भगो सिंह को उसके बाद गठबंधन का लाभ मिला पिछले ही चुनाव उनको पचहत्तर अस्सी हजार वोट आया तो उसमें मुसलमानों का वोट था राजद का कांग्रेस का ये वोट अगर उनको नहीं मिलेगा इस बार वो निकल जाएगा तो कितना वोट निकलेगा लगभग पैंतालीस हजार बचेगा कितना तीस हजार आई पैंतालीस हजार वोट किसी को मिल जाएगा तो हारेंगे कितना से पंद्रह हजार से तो लोग जो ही समझ रहे हैं कि निर्दलीय वो एक बार जीत गए तो अभी भी जो उनको वोट आ रहा है पिछला चुनाव हुए वो निर्दलीय के बल जीते हैं ऐसी बात नहीं है पिछले बार उनको जदयू का वोट मिला हाँ दस पंद्रह हजार वोट ऐसा है जिसको वो अपने पैसे के बल पर गरीब में उसको इलाज में इस समय मदद करके एक हाथ ले एक हाथ दे ऐसा पंद्रह बीस हजार वोट वो ले हैं इसमें कोई दुलाई नहीं लेकिन अब तो उनको सिर्फ और सिर्फ जदयू और बीजेपी का वोट मिलेगा दो सीट और हैं एक तेगरा और एक बछवाड़ा जहां पेच फंसा हुआ गठबंधन को लेकर तो इसमें किसको आना चाहिए क्योंकि विपक्ष दल मांग कर रहे हैं दोनों सीट का वहाँ स्पष्ट है कि वो सीट राजद की नहीं है गठबंधन में जीत गए महतो जी छोड़ के भी गए इसी कारण से क्योंकि तेगड़ा का बराबर जो है वो राजद को सूट नहीं करता है अगर वामपंथी से गठबंधन होता है तो वो वामपंथी के लिए नहीं तो कांग्रेस के लिए वो सीट कांग्रेस लड़ेगी तो वो सीट निकाल सकती सी पी लड़ेगा वो भी सीट निकालेगा गारंटी निकालेगा लेकिन राजद का उम्मीदवार होगा तो वो तगड़ा नहीं निकाल सकता है तो ये तो नेताओं को सोचना चाहिए कि कांग्रेस को सीट दिया जाए या कम्युनिस्ट को दिया जाए बछवा में भी सेम है एक तरफ ये सही है बछवाड़ा में भी कांग्रेस के जो अभी उम्मीदवार हैं रामदेव बाबू का लड़का तो उसको तो सहानुभूति वोट भी मिलेगा लेकिन वहीं अवधेश जी भी, भी हैं कम्युनिस्ट पार्टी भी है उसका भी जनाधार है तो ये तो नेताओं को तय करना होगा कि वहाँ वामपंथी से गठबंधन हो रहा है तो वामपंथी को कन्विंस करना हो कि हमारा जीतने वाला वो सीट है तो वो तो कांग्रेस का क्लेम में है वहाँ हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से जीतेगा तो ये जो सीटों की लड़ाई हो रही है खास करके तेघरा और बछवारा सीट की अन्य सीट की बात किया जाए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जैसे बखरी तो बकरी का जो एंटी कम्युनिस्ट मतदाता है वो कम्युनिस्ट को गठबंधन होने के बाद भी वोट नहीं दे सकता है बट जाएगा वो फुल नहीं जाएगा वो कम्युनिस्ट के खिलाफ भी चला जाएगा उसमें से मैक्सिमम वो तो बकरी का बनावट गठबंधन में कम्युनिस्ट के लिए नहीं है वहाँ अगर जो अभी वर्तमान विधायक है उसने काम भी किया है पिछले बार भी वो बयालीस हजार वोट से जीता है अगर उसको मौका दिया जाएगा तो उसको वामपंथी भी वोट दे देंगे वहाँ वामपंथी का वोट वहाँ उसको मिल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा लेकिन वहाँ अगर वामपंथी को हम सीट दे देते हैं इसको हटा के तो उसका रिएक्शन ये होगा कि हम लोग वामपंथी को जीता नहीं पाएंगे लड़ाई में रहेंगे मेरा होम कंस है तो मैं जानता हूँ वहाँ मेरा घर है मैं राजनीति में सब दिन सक्रिय रहा हूँ आज भी वहाँ जितने शिक्षण संस्थान हैं कम से कम सात आठ इंटर कॉलेज पाँच सात मिडिल स्कूल कस्तूरबा विद्यालय दो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे परिवार का दिया हुआ है तो हम तो वहाँ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो मैं जानता हूँ कि वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी का धार है बीस हज़ार बाईस हज़ार वोट उसको आ जाएगा लेकिन एंटी कम्युनिस्ट वोट उनको दिलाना बड़ा कठिन हो जाएगा और वो सीट कहीं रिएक्शन में स्ट को हराने के लिए लोगों ने जैसे गिरिराज को वोट दे दिया वैसे अगर भाजपा को दे देगा दे तो वो सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा इसलिए मेरा स्पष्ट है मैं बेगूसराय की जमीन की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं कि दो सीट राजद लड़े बलिया और बखरी सीट निश्चित निकलेगी तीन सीट कांग्रेस लड़े बेगूसराय बछवाड़ा और मटियानी सीट की गारंटी होगी तीन दो पाँच हो गया और एक सी और एक सी पी एम किस किस क्षेत्र से चिड़िया बरियार चिड़िया बरियारपुर से सी उसके पास उम्मीदवार भी है भगवान प्रसाद सिंह जो शिक्षक हैं रिटायर है। वो सी के बड़े जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं जिनका घर भी उसी क्षेत्र में पड़ता है में में का का अपना ज्यादा अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। का जब गठबंधन आप लड़ रहे हैं तो गठबंधन में, लग... में हम चेहरा चेहरा चाहिए जीतने वाला चेहरा चाहिए तो अगर भगवान प्रसाद सिंह को वहाँ सीपीएम सीपीएम को अगर वो सीट जाता है तब मेरी राय है कि भगवान प्रसाद सिंह अगर वहां से उम्मीदवार होते हैं तो उस क्षेत्र का जो बनावट उसकी लड़ाई जब मंजू वर्मा से होगी और इधर गठबंधन के लोग हम इनके मदद में खड़ा होंगे तो उस सीट पर हारने का हम लोगों का कोई प्रश्न नहीं उठता है अब बहुत बार नहीं कहा जा सकता है चैनल पर लेकिन इशारा समझना होगा मे, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि आप राजनीतिक के इतने जानकार हैं आपके यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं विधायक आते हैं राजनीतिक अचानक कहा जाता राजनीतिक में तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ता हूँ उसका दो कारण है एक तो कारण ये है कि जो आजकल जो टिकट लेने का सिस्टम है उसमें बहुत स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता है और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस परिवार में जन्म लिया हूं जहाँ गांधी जी श्री बाबू से लेकर बड़े बड़े नेता दूसरे दल के नेता आपके अभी जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार ये भी हमारे यहाँ जाते रहे हैं तो स्वाभिमान से समझौता करके टिकट लेना ये मैं उचित नहीं समझता एक बात ये दूसरी बात ये कि अगर किसी एक सीट से मैं चुनाव लड़ जाऊं, तो मैं उस सीट पर उलझ कर रह जाऊं लेकिन हमारा उद्देश्य अभी सिर्फ और सिर्फ एनडीए को धूल चटाना है इसलिए मैं खुद उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं कि अगर इस फॉर्म हमारे बताए फॉर्मूले पर विचार नहीं किया गया और कहीं गलती से भी मटिहानी और बकरी जो मेरा होम कॉन्स्टी है वहाँ हमारी राय को नहीं माना गया तो इसका खामियाजा महागठबंधन को बहुत भुगतना होगा और हमारी राय पर महागठबंधन में मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक लीडर हूँ हमको भी दो सीट चाहिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ लालू जी को भी कांग्रेस के नेताओं को कि ये दो सीट अगर हमको शेयर नहीं दिया गया कम्युनिस्ट के नेताओं को भी कहना चाह रहा हूँ ये शेयर मेरा नहीं मिला तो इसका नुकसान और खामियाजा सब नेता जानते हैं कि क्या भुगतना होगा कौन इस ये नहीं दो सीट मटिहानी और बखड़ी कांग्रेस हाँ नहीं कांग्रेस को नहीं जो उम्मीदवार है अभी राजद के उम्मीदवार हैं ना बकरी में उपेंद्र पासवान हाँ मटिहारी में राजकुमार जी ये मेरा शहर अगर बिहार के का, कांग्रेस के नेता कम्युनिस्ट के नेता राजद के नेता अगर हमको जानते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये दूसरी सीट पर मेरे साथ समझौता नहीं हुआ तो मैं भी राजनीति करता हूँ तो इसका नुकसान नफा जोड़ के तय करना चाहिए लोगों को हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद